हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो यूपी बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप बीएड या फिर डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएड डीएलएड इसके साथ साथ स्कॉलरशिप कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा, भर्ती में डीएलएड डिग्री धारकों ने मांगी वरीयता। आज की जो वीडियो है ये यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज प्रोवाइड की जाएगी। सो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। यहाँ पर आपको पता ही होगा 2018 से बीएड के स्टूडेंट्स को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2018 से पहले केवल बीएड के अभ्यर्थी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं थे, लेकिन 2018 में जून के मंथ में एनसीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक भर्ती में सम्मिलित करने के बाद डीएलएड के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, जिस वजह से डीएलएड स्टूडेंट्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। डीएलएड वीटीसी प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा विभाग की सभी शिक्षक भर्तियों में प्रथम वरीयता दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड एन की वीटीसी के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता दी जाए। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक लेवल की जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें डीएलएड के स्टूडेंट्स को प्रथम वरीयता दी जाए, क्योंकि पहले भी केवल बीएड के स्टूडेंट्स वहां पर आवेदन नहीं कर पाते थे। इसके अलावा वीटीसी के जो स्टूडेंट्स थे शिक्षक भर्ती में एलिजिबल थे, जिसके बाद बीएड के स्टूडेंट्स को भी शामिल कर लिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तनातनी है। इसके बाद रजत सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। जहाँ दोस्तों, आज 8 जुलाई को यहाँ पर सुनवाई होने जा रही है। जो वीटीसी की स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता देने की मांग की है, यानी कि पहले वीटीसी डीएलएड के स्टूडेंट्स को यहाँ पर नौकरी देने की बात कही गई है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर डीएलएड के स्टूडेंट्स को प्रथम वरीयता मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड और वीटीसी विशेष रूप से बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कोर्स है, इसलिए शिक्षक भर्ती में इनको पहली वरीयता दी जानी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय, आप अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद बची सीटों पर बीएड या अन्य कोई डिग्री धारक को मौका मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहले यहाँ पर डीएलएड के स्टूडेंट्स को वरीयता दी जाए, यानी कि पहले डीएलएड के स्टूडेंट्स को जॉब मिलना चाहिए, उसके बाद जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब दी जाए। बिकॉज जो बीटीसी कोर्स है वो ऑलरेडी पहले से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, और बीएड के स्टूडेंट्स को यहाँ पर बाद में एलिजिबल किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।